सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? होप अब सब लोग यार ठीक हो गए। पता नहीं ये वायरस है कब ख़त्म होगा, ताकि फिर मैं नेपाल आ सकूं और ब्लॉग भी बनाने हैं। हमने सारा कुछ देखना है। पता नहीं यार, दिमाग खराब हो गया। करे भी तो करे क्या। तो यार आज ना हम रिएक्शन देने जा रहे हैं नेपाल के गोरखास। तो गोरखास को सभी जानते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना जब मेरे दादाजी होते थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि जब 1957 से पहले 47 से पहले कहते कि अंग्रेज थे जो, वो इंडिया में ही क्यों आए, नेपाल में उन्होंने क्यों नहीं वो की? क्योंकि उन्होंने बताया कि वहाँ पे थे गोरखास और उनसे अंग्रेज भी डरते थे और इतना खौफ था उनको, उन्होंने इंग्लैंड में उनको शामिल भी किया अपनी आर्मी में, अभी भी हैं वो। तो आप बताएं कि ये सच है सारा कुछ मेरे दादाजी ने जो बताया? वो वैसे नेपाल में सारी जगह माथा टेकने वगैरह हर साल जाते रहते थे। मिस यू दादाजी। चलो वीडियो को देखते हैं। आज कौन सी वीडियो है? गोरखास के ऊपर ही है, पर ये है गोरखानामा डॉक्यूमेंट्री ऑन इंडियन गोरखास पार्ट टू। ओके, आज इस पे पार्ट वन भी आया हुआ है, तो उस पे भी यार रिएक्शन दे दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे विकास भाई, विकास थापा जी का, जो उन्होंने मेरे मुझे लिंक सेंड किया इंस्टाग्राम में। आज बड़ा ओ आ ओ आ हो रहा है, क्योंकि एक दिन मिस हो गया ना हमारा रिएक्शन के लिए। तो आई एम सॉरी गाइस, आई लव यू ऑल, सॉरी। ओके ना, वो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे टाइम वेस्ट मैंने कर दिया बोल के, पर कोई नहीं, चलो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, एक दो एंड तीन प्ले। 11 अलग अलग जंगों में अपनी फौज का झंडा बुलंद किया। ये है देखो, प्रथम विश्व युद्ध में करीब 2,00,000 गोरखों ने फ्रांस, टर्की, मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन में हिस्सा लिया, और एक खास टुकड़ी के साथ लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी पूरा साथ दिया, और मौजूदा इराक और सऊदी अरेबिया के इलाके में भी अपनी बहादुरी का कारनामा। यार कितना। दूसरे विश्व युद्ध में तो पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा तादाद, यानी कि तकरीबन 2,50,000 गोरखों ने सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, मौजूदा लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, मिस्र और ग्रीस में जंगजू रहे, और जापान के खिलाफ बर्मा, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट, मलाया और सिंगापुर में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। हालांकि इनमें से गोरखों के 32,000 साथी मारे गए, लेकिन उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जंग में 2,734 बहादुरी के पदक भी उन्होंने हासिल किए। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज तब तक हिंदुस्तान में काम करने वाली 11 गोरखा रेजिमेंट में से 4 2, 6, 7 और 10 गोरखा रेजिमेंट्स को अपने साथ ही ले गए। ये गोरखा ब्रिटिश फौज में सेवा करते रहे और फिर उन्हें बर्तानिया का भी नागरिक बना दिया गया, और बाकी सारी रेजिमेंट्स 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th, and 11th गोरखा रेजिमेंट्स हिंदुस्तान फौज में ही अपनी बहादुरी की दास्तानें लिखती रही, और आज भी इन्हें खास इज्जत की नजर से देखा जाता है। आज इनकी तादाद लगभग 50,000 सिपाहियों की है, और अभी पिछली 15 अगस्त को जिन 7 फौजियों को अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करने के लिए बहादुरी के पदकों से नवाजा गया, उनमें से 4, जी हां 7 में से 4 गोरखा राइफल्स के ही हैं। गोरखों की इस खुद से पहली जिम्मेदारी पर रखकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने की फितरत को सारी दुनिया ने माना है। 1911 में गोरखा ही थे जब ब्रिटिश फौज ने किसी फौजी को बहादुरी का मेडल दिया था। दरअसल कुल 16 विक्टोरिया क्रॉस जो नेटिव सोल्जर्स को दिए गए, उनमें 13 गोरखों को मिले जिन्होंने नमक का हक अदा करने के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। आजादी के बाद भारत माता की सेवा में भी
गोरखों की बहादुरी के कारनामे अक्सर दास्तानों के आसमानों पे सितारों की तरह जगमगाते रहे। 1952 में नायक नर बहादुर थापा को देश का पहला फर्स्ट क्लास अशोक चक्र दिया गया, जो कि शांति के दौर का परमवीर चक्र कहलाता है। मेजर धन सिंह थापा को 1962 की जंग में परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनकी सूची खासी लंबी है, जिन्हें महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से नवाजा गया। आजादी के बाद पहली बार दो गोरखा अफसरों ने तरक्कियों की सारी पुरानी हदों को पार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, जो कि बाद में सेना सचिव के ओहदे से सेवानिवृत्त हुए, और लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान, AVSM, SM, VSM, दूसरे और गोरखा अफसर हैं जो कि इस आला मुकाम पर पहुंचे। और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि आज का ये खूबसूरत गोरखा द्विशताब्दी महोत्सव भी इन्हीं दो अफसरों की कोशिशों का नतीजा है। ये गोरखों की वफादारी और बहादुरी ही है कि जो उनके सीनों की खूबसूरती देश की सेना के नवाजे सैकड़ों मेडल्स ने बढ़ाई है। गोरखों की बहादुरी ही है जिसने हिंदुस्तानियों के दिलों पर ही नहीं बल्कि शायरी के कलाम पर भी कब्जा किया है, और उन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे मशहूर नज्म में भी मुकाम दिया। गोरखे नमक का कर्ज कभी ना भूलने वाली कौम है। यही वजह है कि उनकी बहादुरी की दास्तानें हिंदुस्तान की हर जंग और यहां तक कि दहशत के खिलाफ जंग में भी मिल जाती हैं। हालांकि गोरखों के फौजी कारनामों की वजह से उन्हें सीमित कर दिया गया, और वो ये कि गोरखे सिर्फ अच्छे फौजी या फिर गार्ड ही हो सकते हैं। इस सोच ने गोरखों की सलाहियतों पर पर्दा डाल दिया। यही वजह है कि आज भी जब गोरखा रेजिमेंट दुनिया भर में अंजाम दिए अपने तमाम जंगी और फौजी कारनामों के 200 साल मना रही है, तो भी गोरखा कौम अपनी वजूद को ये नेपाल है मेरे हिसाब से ना बाहे पर पाती है। आज भी गोरखा को हर रोज देश के किसी ना किसी कोने में, जो कि उसका अपना घर है, उसमें न सिर्फ अपनी पहचान के सवाल का सामना करना पड़ता है बल्कि गैर बराबरी के एहसास से भी दो चार होना पड़ता है। और आज भी गोरखों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए खासी कोशिश करनी पड़ती है। एक बहुत आम सोच ये भी है कि गोरखे नेपाली हैं क्योंकि उनकी जबान, तहजीब और साहित्य नेपाली है। इसी वजह से गोरखों के वजूद पर ही सवालिया निशान लगे रहते हैं, जबकि नेपाली जबान हिंदुस्तान की कई राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है, और नेपाली बोलने वाले गोरखे भी वैसे ही हिंदुस्तानी हैं जैसे कि हिंदुस्तानी बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं, और उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी नहीं, और तमिल बोलने वाले श्रीलंकन नहीं है। गोरखे खालिस हिंदुस्तानी हैं। पूरे हिंदुस्तान में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिक गोरखे हैं। उत्तराखंड की कुल जमा आबादी का 12% गोरखे हैं। गोरखों की राष्ट्र निर्माण में योगदान की तमाम कहानियां कही ही नहीं गई। हजारों गोरखे देश के हर कोने में, चाय के बगानों में, कुनेन की खेती, तेल के कुएं, कोयले की खानों में काम करते मिल जाए। ना कोई जात पात की बहस, ना ही किसी तरह का झगड़ा लड़ाइयां, बस सादा जिंदगी और ऐसी मेहनत कश कि अपने आप में एक किस्म की पहाड़ी फौज का वजूद रहता है, और आज भी वजूद के उसी पुराने पायदान पर है जिस पर हिंदुस्तान की बढ़ती GDP का कोई असर नहीं। अब देखे ना खड़क सिंह बिष्ट का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना। खड़क सिंह बिष्ट भी एक देहरादून के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। खड़क सिंह बिष्ट पहले
गाइस यार क्या वीडियो थी, और वीडियो थी तो बहुत बड़ी वीडियो थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पार्ट इस वीडियो का मिस हो गया। मैं एक्सपोर्ट कर रहा था, वो एक्सपोर्टिंग हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि यार एडिटिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है। जब एक्सपोर्ट करते हैं ना हम सेव करके, तो पता नहीं प्रॉब्लम दे रहा था, तो मैंने वो लास्ट वाला सीन मिस मार दिया जिसमें वो कहते नहीं कि गेम खेलते हैं उस पर वो तीर कमान होते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐसे हॉकी के खिलाड़ी हमारे, क्या नाम था उनका, छेत्री थे और बहुत पॉपुलर हैं। और आपने एक बात देखी नेपाल की यार, लॉयल्टी कहते हैं ना उसको, कि ईमानदारी इतनी है कि नेपाल के होते हुए भी उन्होंने गोरखास जो हैं उन्हें वहाँ पे, वो जहाँ भी आते हैं जैसे इंग्लैंड और फ्रांस में हैं, वो अपनी लॉयल्टी पूरी निभा रहे हैं। ऐसे नहीं कि नेपाल के खिलाफ हो गए पर ठीक से वो अपना काम नहीं कर रहे, नहीं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। और इंडिया में भी जो गोरखास हैं, सल्यूट यार, मेरे ना सच्ची कह रहा हूँ, आपके भी रोंगटे खड़े होंगे पक्का, अगर आप इंडिया से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो। ऐसे फील हो रहा था, वाह यार है ना, भारत रत्न मिले, इतना कुछ मिला है यार, सल्यूट करता हूँ। गोरखास का मैं शुरू से ही फैन रहा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी स्टोरी सुनाते रहते थे, और जो मेरा एक बार कई बार मेरा फ्रेंड आता है ना साथ में, वो रिएक्शन देता है, उसके दादाजी भी अभी भी हैं, वो नेपाल में जाते रहते हैं। उनके साथ अगर मौका मिला उनको भी वीडियो में लेके आएंगे, और नेपाल के बारे में उनको शायद नेपाली भी आती है, तो हम देखेंगे कि उनका इंटरव्यू लेके देखेंगे। और वैसे हमने नेपाल तो आना ही है यार, गोरखास में जितना दम है ना उतना किसी में नहीं। और सल्यूट करता हूँ मैं ऑल गोरखास को, किसी भी कंट्री के हो, कहीं भी हो, और यार गोरखा रेजिमेंट बेस्ट है बहुत ही। और हाँ, उनके पास ना एक वेपन होता है, वो वाला चाकू टाइप सा नहीं होता, बड़ा सा खंजर टाइप, वो वही उनके पास ना स्किल है। ऐसे मैं तो चलो मजाक कर रहा हूँ, वो ऐसे करके ऐसे मार के भी मार सकते हैं भाई। सल्यूट करता हूँ यार, और यार वो वीडियो मिस होने के लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और आप मुझे एडिटर सॉफ्टवेयर कोई रेकमेंड करें कि कौन सा बेस्ट है, कि जिस पे हम बड़ी से बड़ी वीडियो एक्सपोर्ट कर पाएँ। और ऐसे ही आप बताते रहें मुझे और वीडियोस भी, और मिलते हैं यार अगली वीडियो में। होप आपको मेरी यार ये रिएक्शन अच्छी लगी होगी, पर हम ऐसे रिएक्शन नहीं कह सकते, मैं बस वीडियो देख रहा था क्योंकि मैं खो ही गया। सच बता रहा हूँ कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो अच्छा ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही थी मैंने ऊँची की आवाज़ ऊपर बढ़ा के, अच्छा मैं भूल ही गया कि मैं वीडियो रिएक्शन बना रहा हूँ, और वो देखा नहीं कि एक्सपोर्ट वाली फाइल है वो बंद हो चुकी है, मैं ऐसे ही बैठा देख रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, जितनी है हम वो ही लगा देते हैं। होप आपको ये रिएक्शन मेरी जो भी थी अच्छी लगी होगी यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल, ऐसे ही मुझे वीडियो बताते रहें। और यार जल्दी आऊँ, बस मैं नेपाल ब्लॉग बनाने हैं जल्दी। ओके बाय गाइस। और हाँ, मैं ना सारी जो आपने डिमांड की है सारी की सारी, गाना याद आ गया, तारे सारे दे सारे, वो हम ना वो बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, हाँ जो आपने डिमांड की है वो सारी की सारी वीडियो बनाएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। और हाँ, हम जिम वगैरह भी, रनिंग वगैरह यार स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन का। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, द रियल अभियान, और सारा कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ यार सपोर्ट करें ओरिजिनल वीडियो को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल।